नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की 5वीं मैच है। तो ये मैच कल 4 जून 2024 को सुबह 6 बजे ये मैच रहेगी। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो जिस मैदान पर यह मैच खेली जाने वाली है उस मैदान का हम पिच रिपोर्ट देखेंगे। उस मैदान पर अगर कोई बल्लेबाज हाई स्कोर करता है तो वो कितने तक हाई स्कोर कर सकता है वो देखेंगे। उस मैदान पर स्पिनर चलते हैं या नहीं, फास्टर चलते हैं या नहीं, वो सब देखेंगे। उस मैदान के कुछ स्टैट्स देखेंगे, बल्लेबाजी के स्टैट्स, गेंदबाजी के स्टैट्स देखेंगे। और उसके अलावा मैं आपको 3 या 4 टीम इस मैच के लिए बनाकर दिखाऊंगा। तो ग्रैंड लीग की किस तरह से टीम बनानी है वो मैं आपको इस प्रेडिक्शन में बना कर दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट से शुरुआत करते हैं, पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको स्टार्स दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैच खेली जाने वाली है, कल जो मैच होंगी 4 जून 2024 को 6 बजे जो मैच होंगी अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा, तो वो मैच इस ग्राउंड पर होगी, यानी कि प्रोविडेंस स्टेडियम गायाना, जो कि वेस्ट इंडीज़ में ये स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम में जो रिसेंट मैचेस हो चुके हैं, तो ये इंटरनेशनल मैच यहाँ पर मैंने रिसेंट मैचेस का डेटा यहाँ पर शेयर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट मैचेस है 2023 के हैं, 2022 के हैं, 2019 के हैं, और कुछ पुराने स्कोर, पुराने रिकॉर्ड भी है रिसेंट मैचेस के। तो आप देख सकते हैं 2010 के भी है। तो इस रिसेंट मैचेस में गौर करने लायक बात यह है कि फर्स्ट इनिंग में आप देख सकते हैं 4 से लेकर 9 तक यहाँ पर विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में। तो अगर आप कोई टीम बना रहे हो तो आप ये समझकर टीम बना सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेंगी तो उसके 4 से लेकर 9 तक विकेट गिरेंगे या फिर 10 गिरेंगे। और सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करेगी उसके भी, यहाँ पे आप देख सकते एक बार सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, एक बार 3 गिरे। उसके अलावा आप देखेंगे तो 4 से लेकर 10 तक विकेट गिर चुके हैं, यानी कि सेकंड इनिंग में भी 4 से लेकर 10 विकेट तक गिरने के चांसेस है। 10 विकेट एक बार आपको गिरते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों भी टीम के तरफ से मिनिमम 2 बॉलर आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर अगले वाली टीम के 10 विकेट गिरते हैं तो आप किसी एक टीम के तरफ से ज़्यादा गेंदबाज भी रख सकते हैं, 3 या 4 रख सकते हैं। तो चलिए आपको और कुछ स्टार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टेडियम में जो हाई स्कोर हुआ है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मैच में इस स्टेडियम पर फर्स्ट इनिंग खेलते हुए हाई स्कोर 191 रन बन चुके हैं और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर 169 रन बन चुका है। और लो स्कोर की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग का लो स्कोर इस ग्राउंड पर 138 रन हो चुका है और सेकंड इनिंग का लो स्कोर इस ग्राउंड पर 68 रन हो चुका है। तो यानी कि ये जो कल मैच रहेंगी उसका स्कोर आप 70 से लेकर 200 तक आप स्कोर समझकर कोई टीम बना सकते हो। तो आपको इनके बीच में कौन सा स्कोर होगा ये आप खुद सोचकर टीम बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 200 ही बनेंगे, 180 ही बनेंगे, ऐसा नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। तो 70 से लेकर 200 तक इस ग्राउंड पर स्कोर बन सकता है, चाहे कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर युगांडा हो। तो चलिए और कुछ स्टार्स देखते हैं। तो इस ग्राउंड पर जो अब तक जो हाई स्कोर बन चुका है, किसी भी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज ने जो हाई स्कोर बनाया है इस ग्राउंड पर, तो यहाँ पर मैंने जो हाई स्कोर बनाया है इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल में, तो उसका मैंने यहाँ पर डेटा शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर सूर्य कुमार यादव ने 83 रन बनाए हैं, निकोलस पुरन ने 7 मैच खेल के 74 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस प्लेयर ने यहाँ पर हाई स्कोर किया है उन सभी प्लेयर का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है,
कौन से मोड में खेला, यानी कि T20 इंटरनेशनल में खेला या CPL में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कितने मैच उस प्लेयर ने खेले वो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है, और उनका हाई स्कोर इस ग्राउंड पर कितना है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप बाकी प्लेयर का भी देख सकते हैं। अकील हुसैन जो कि बॉलर है, उसने भी यहाँ पर 50 रन बनाए हैं इस ग्राउंड पर। तो इस ग्राउंड पर 50 से लेकर 100 तक हाई स्कोर बन सकता है, या फिर 100 से ऊपर तक भी बन सकता है। किसी बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो युगांडा का हो या फिर अफगानिस्तान का, वो 50 से लेकर 100 तक इस ग्राउंड पर स्कोर बना सकता है। तो आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन अगर बना रहे हो तो 50 से लेकर 100 तक रन उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा सोचकर आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन बना सकते हो। तो चलिए और कुछ स्टार्ट दिखाता हूँ। तो इस ग्राउंड पर जो CPL के मैच हुए हैं, यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैचेस, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग में इस ग्राउंड पर ब्रैंडन किंग ने 132 रन बनाए हैं। तो इतना बड़ा स्कोर भी कोई बल्लेबाज बना सकता है कल के मैच में, खास करके अफगानिस्तान के बना सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जजई हो गया, गुरबाज हो गया और इब्राहिम जादरन हो गया। ये जो बल्लेबाज है ये 100 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, 100 से ऊपर भी बना सकते हैं। कई बार उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 से ज़्यादा रन बनाए हैं, तो कल के मैच में बना सकते हैं। तो वैसे प्लेयर पर आप रिस्क लेकर उन्हें कैप्टन बना सकते हैं। तो CPL में किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले, कितने हाई स्कोर बनाए हैं, यहाँ पर मैंने डेटा शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर CPL में 6 बल्लेबाजों ने 100 रन बनाए हैं, 86 से लेकर 132 रन तक यहाँ पर हाई स्कोर CPL के बल्लेबाजों ने बनाए हैं। तो इसमें कुछ वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज है, कुछ अफ्रीका का है, कुछ इंग्लैंड के हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए और कुछ आपको स्टार्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉलिंग का स्टार्स दिखाया है। तो इस ग्राउंड पर जो T20 इंटरनेशनल में जिस भी गेंदबाज ने बॉलिंग की है, तो उसे कितने विकेट मिले हैं, 3 विकेट कितने बार मिले हैं, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, कितने विकेट टोटल उन्हें मिल चुके हैं, और कौन से मोड में खेल चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उनका नाम भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं मेहदी हसन जो कि स्पिनर है, उसने इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल में 2 मैच खेले, 7 विकेट उसे मिल चुके हैं और 2 बार 3 विकेट उसे मिले हैं। एंड्रू टाई जो कि ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज, जिसने इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल 2 मैच खेले, 5 विकेट उसे मिल चुके हैं और 1 बार 3 विकेट भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें गौर करने लायक बात यह है कि फास्टर हो या स्पिनर, दोनों भी टाइप के गेंदबाजों को यहाँ पर 3 विकेट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कुलदीप यादव ने भी एक ही मैच खेला है, लेकिन उसी एक मैच में उसने 3 विकेट लिए हैं। तो हार्दिक पांड्या को भी इस ग्राउंड पर 2 मैच खेल के 3 विकेट मिले हैं, एक ही मैच में 3 विकेट मिले। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर स्पिनर और फास्टर दोनों को विकेट मिलते हैं, 3 विकेट मिलते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी मिलते हैं, स्पिनर हो या फास्टर दोनों को मिलते हैं। इसलिए आपको इस मैच में स्पिनर और फास्टर दोनों को भी रखना है। तो चलिए और कुछ मैं आपको स्टार्स दिखाता हूँ। तो मैं अब स्टार्स दिखाऊंगा बल्लेबाजी का स्टार्स, यानी कि अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, और उनमें से कौन कौन से गेंदबाजी डालने वाले हैं, तो कितने ओवर डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे, 3 ओवर डालेंगे या 4 ओवर डालेंगे, 1 ओवर डालेंगे, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग करने आते हैं, तो अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज आता है, गुरबाज के साथ जजई आता है। तो अगर जजई, गुरबाज और इब्राहिम जादरन, ये तीनों भी कल के मैच में अगर खेल रहे हो, तो तीनों में से कोई 2 ओपनिंग करेगा, खास करके जजई तो ओपनिंग करेगा ही करेगा, लेकिन जजई के साथ इब्राहिम जादरन ओपनिंग कर सकता है और गुरबाज तीसरे नंबर पर आ सकता है, या फिर गुरबाज के साथ जजई ओपनिंग कर सकता है और इब्राहिम जादरन तीसरे नंबर पे आ सकता है, या फिर अगर जजई नहीं खेल रहा हो तो इब्राहिम जादरन के साथ गुरबाज ओपनिंग करेगा, और अगर इब्राहिम जादरन नहीं खेल रहा हो तो गुरबाज के साथ
जैसे ही ओपनिंग करेगा। तो ये तीन बैट्समैन जो है ये टॉप थ्री में आते हैं, यानी कि इनकी जो बल्लेबाजी होंगी वो टॉप थ्री में रहेगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं उमर जाई आएगा, या फिर मोहम्मद इशाक आएगा, या फिर गुलबदीन नाइब आएगा। अगर जदई, गुरबाज और जादरान ये तीनों में से कोई एक नहीं खेल रहा हो तो उमर जाई तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करेगा, या फिर गुलबदीन नाइब तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करेगा और उमर जाई चौथे पे करेगा। और अगर उमर जाई तीसरे पे करेगा तो गुलबदीन नाइब चौथे पे बल्लेबाजी करेगा। तो आप देख सकते हैं पाँचवें नंबर पे कौन कौन बल्लेबाजी करता है। एक तो मोहम्मद नबी आता है, छठवें नंबर पे भी कभी कभी मोहम्मद नबी बल्लेबाजी करता है, और नजीबुल्ला जादरान जो है वो छठवें नंबर पे बल्लेबाजी करता है और आठवें नंबर पे भी कभी कभी आ जाता है। तो आप इस बैटिंग आर्डर को ध्यान में रखते हुए आप टीम बना सकते हैं। उसके अलावा जो गेंदबाज है वो भी कितने नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो इनमें से कौन कौन से गेंदबाजी डालेंगे कल के मैच में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें से बॉलिंग सेक्शन में अगर सलीम शफी खेलता है तो ये कन्फर्म गेंदबाजी डालेगा। फजल फारूकी खेलता है तो वो कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। फरीद अहमद कन्फर्म करेगा अगर खेलता हो तो। नवीन उलक कन्फर्म करेगा गेंदबाजी। मुजीब कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। नूर अहमद कन्फर्म करेगा अगर खेलता है तो। नंगेली या खरोटे ये अगर खेलता हो तो ये भी कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। रशीद खान तो कन्फर्म करेगा। गुलबदीन नाइब ये भी कन्फर्म करेगा। करीम जन्नत भी कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। मोहम्मद नबी भी कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। उमर जाहिर भी कन्फर्म गेंदबाजी करेगा। तो ये कुछ गेंदबाज है ये गेंदबाजी करेंगे। तो इनमें से चार ओवर कौन डालेगा, तो चार ओवर सलीम शफी डालेगा, फजल फारूकी डालेगा, फरीद अहमद डालेगा, नवीन उलक चार ओवर डालेगा, मुजीब चार ओवर डालेगा, खरोटे चार ओवर, रशीद खान चार ओवर, गुलबदीन नाइब भी कभी कभी चार ओवर डाल सकता है, खरोटे चार ओवर डालेगा, करीम जन्नत भी चार ओवर डाल सकता है, तो और नबी भी चार डाल सकता है। लेकिन इन सभी के चार ओवर कन्फर्म नहीं है अगर उनकी पिटाई होती है, यानी कि दो ओवर में अगर कोई गेंदबाज 20 या 25 रन दे देते हैं तो उसको चार ओवर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और उस मेन गेंदबाज के जगह पे कोई पार्ट टाइम गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, जैसे कि पार्ट टाइम में गुलबदीन नाइब है, नबी है, उसके अलावा करीम जन्नत है, तो ये गेंदबाजी डालेंगे। तो इनमें से तीन ओवर कौन डालेगा, एक से लेकर तीन ओवर, तो गुलबदीन नाइब एक से लेकर तीन ओवर डालेगा। उमर जाई चार ओवर डाल सकता है, कभी तीन डालेगा, कभी दो भी डाल सकता है, और नबी जो है वो एक से लेकर तीन या फिर चार डालेगा। उसके बाद करीम जन्नत भी एक से लेकर तीन डालेगा या फिर चार भी डाल सकता है, और उसके अलावा खरोटे एक से लेकर तीन ओवर डालेगा या फिर चार भी डाल सकता है। तो ये कुछ बॉलर्स है। तो चलो अब मैं आपको युगांडा की बैटिंग ऑर्डर और कौन कौन गेंदबाजी डालेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्स देखते हैं। तो युगांडा के यहाँ पर मैंने बैटिंग ऑर्डर लिख दिया है और साथ में कौन गेंदबाजी डालेगा वो भी मैं बताऊंगा। चार ओवर कौन डालेगा, तीन कौन डालेगा, दो कौन डालेगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो ओपनिंग करने आएगा रोजर मुकासा। तो ये रोजर मुकासा है, ये इसका कोई कंफर्म नहीं है, ये कभी ओपनिंग करता है, कभी तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन जो यहाँ पे रौनक पटेल दिख रहा है ये ओपनिंग ज़रूर करेगा, या तो ये फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने आएगा या फिर सेकंड नंबर पे, ये ओपनिंग ज़रूर करेगा। और जो साइमन सेसाजी जो बल्लेबाज है ये भी ओपनिंग कंफर्म करेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करेगा या फिर सेकंड पे करेगा। इनमें से सभी के सभी नहीं खेलेंगे, इनमें से कोई खेलेगा कोई नहीं खेलेगा, तो उस हिसाब से स्क्वाड के हिसाब से आप टीम बना सकते हो।
रोनाल्ड लुटाया जो है ये तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, और जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिनेश नकरानी जो है इसका भी कोई कंफर्म बल्लेबाजी का ऑर्डर नहीं है। कभी ये तीसरे नंबर पे आता है, कभी चौथे पे आता है, कभी पांचवे पे आता है, तो इसका बैटिंग ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं है। तीसरे चौथे या फिर पांचवे नंबर पे आ जाता है। और जो इसमें जो आपको दिख रहा है केनेथ वैसा, तो ये जो बल्लेबाज है ये गेंदबाजी भी करेगा, तो ये इसका भी कोई कंफर्म बैटिंग ऑर्डर नहीं है। ये भी कभी चौथे पे आता है, कभी पांचवे पे आता है, या फिर कभी सातवें में आ जाता है। तो इस तरह से इसकी बल्लेबाजी का ऑर्डर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अल्पेश रामजानी, तो ये जो ऑलराउंडर है ये छठवें नंबर पे बल्लेबाजी करेगा, और ये जो प्लेयर है ये गेंदबाजी भी करेगा। तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, तो इस ग्राउंड पर स्पिनर और फास्टर दोनों भी चलने वाले हैं, तो आपको दोनों भी रखना है। और यहाँ पे जो फ्रेड अचेलाम जो है ये कीपर है, तो ये सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा। तो ब्रायन मसाबा जो है ये आठवें नंबर पे आता है, नवे पे आता है, तो ये भी गेंदबाजी करेगा। तो इनमें से चार ओवर किस किस के करने के चांसेस ज़्यादा है? एक तो एमवीएफजे, ये जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये चार ओवर डालेगा। जुमा मियागी जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये चार ओवर डालेगा। हेनरी सेनियोडो ये भी चार ओवर डालेगा। फ्रैंक नसुबुगा ये भी चार ओवर डालेगा। बिलाल हसन ये भी चार डालेगा। ब्रायन मसबा ये चार ओवर कभी डालता है, कभी नहीं डालता। कोस्मस काईवुटा ये भी चार ओवर डालेगा। उसके अलावा केनेथ वैसवा जो है ये चार ओवर डालेगा। अल्पेश रामजानी ये भी चार ओवर डालेगा, और इसके अलावा दिनेश नकरानी जो है ये भी चार ओवर डालेगा। तो ये कुछ गेंदबाज है जो चार ओवर डाल सकते हैं, लेकिन इनका भी कंफर्म नहीं है। अगर इनकी पिटाई होती है तो इनके जगह पे एक दो ओवर कट होके किसी और पार्ट टाइम बॉलर को गेंदबाजी मिल सकती है। तो पार्ट टाइम यहाँ पे कौन है? एक तो दिनेश नकरानी है, अल्पेश रामजानी है, और केनेथ वैसवा है, ब्रायन मसबा है। तो ब्रायन मसबा जो गेंदबाज है ये चार ओवर नहीं डालता है, कभी एक डालता है, कभी दो डालता है। तो इनमें से दो ओवर कौन डालेगा? तो दो ओवर डालेगा, एक से लेकर तीन ओवर कौन डालेगा? तो एक से लेकर तीन ओवर ब्रायन मसबा डालेगा। उसके अलावा जुमा मियागी डालेगा। उसके अलावा रियाजत अली शाह ये एक से लेकर तीन ओवर डालेगा, और वैसवा एक से लेकर तीन डालेगा, दिनेश नकरानी ये एक से लेकर तीन ओवर डालेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कौन कितने ओवर डालेगा ये बता दिया, यहाँ पर मैंने कौन कितने नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा वो बता दिया। तो इसमें कौन फास्टर है, कौन स्पिनर है, कौन ऑफ ब्रेक बॉलर है, कौन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, कौन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें नाम के आगे मैंने किस टाइप का वो बॉलर है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो चलिए मैं आपको दो से लेकर तीन टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो चलो अब डायरेक्ट टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हाई सिलेक्शन है उन सभी को मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको कुछ बताना है। तो हाई सिलेक्शन मैं किसे बोलता हूँ? जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है उन सभी को मैं हाई सिलेक्शन बोलता हूँ, और जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर होता है उन सभी को मैं लो सिलेक्शन या फिर ट्रंप प्लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी हाई सिलेक्शन प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाई सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आठ प्लेयर ऐसे निकल कर आ चुके हैं जिसका सिलेक्शन आज के मैच में यानी कि कल के मैच में हाई सिलेक्शन है। तो ये सभी के सभी प्लेयर को आपको नहीं रखना है, इनमें से कुछ तो कंफर्म फ्लॉप हो गए, इनमें से चार फ्लॉप हो सकते हैं, चार फ्लॉप हो सकते हैं, और मिनिमम एक फ्लॉप हो सकता है, तीन भी हो सकता है।
दो भी हो सकता है, इनमें से एक से लेकर चार तक आपको ड्रॉप करना है प्लेयर। तो चलो अब मैं आपको ट्रंप प्लेयर भी दिखा देता हूँ। तो आपको हाई सिलेक्शन कितने रखना है, चार से लेकर सात तक ही रखना है, इससे ऊपर या फिर इससे नीचे मत रखना, क्योंकि हमने जब T20 IPL का जो प्रेडिक्शन किया था उसमें भी हमने यही देखा था कि जो भी हाई सिलेक्शन या फिर ट्रंप आ रहे हैं तो चार से लेकर सात के बीच में ही आए हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर सॉरी चाहे वो ट्रंप हो या फिर हाई सिलेक्शन हो, चार से लेकर सात तक ही आए थे। तो ये ट्रिक बोलो या फिर टिप्स बोलो, ये इस T20 वर्ल्ड कप में भी काम करेगी। तो आपको उस टिप्स का यूज़ इस T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रंप प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रंप प्लेयर मैंने ले लिए हैं। तो 11 ट्रंप प्लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा ट्रंप प्लेयर है, लेकिन सभी ट्रंप प्लेयर को मैं एक साथ एक ही टीम में सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ड्रीम इलेवन का ऐप है इसमें आप मैक्सिमम 11 तक ही प्लेयर ले सकते हैं, इसलिए मैंने 11 ले लिए हैं। तो इसमें से कंफर्म तीन से लेकर चार ट्रंप प्लेयर कल के मैच में आने वाले हैं, या फिर इनमें जिसे मैंने नहीं सिलेक्ट किया है लेकिन वो भी ट्रंप है, तो उन सभी को मिलाकर इनमें से चार से लेकर सात तक ट्रंप प्लेयर कंफर्म आने वाले हैं। तो ये मेरी गारंटी है। अगर ये मेरा प्रेडिक्शन झूठ हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कंफर्म आपको चार से लेकर सात तक ट्रंप प्लेयर रखने हैं, तो आप पाँच रख सकते हो, छः रख सकते हो, सात रख सकते हो, चार रख सकते हो, लेकिन इनके बीच में ही रखना, तीन मत लेना और आठ ट्रंप प्लेयर मत लेना, तो ये ऐसा करना। तो चलिए अब मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो टीम बनाऊंगा मैं, सबसे पहले ऐसे प्लेयर को लूंगा जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करने के उनके चांसेस है, कम से कम उन्हें चार ओवर गेंदबाजी मिले या फिर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मिले। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कीपर में, यहाँ पे मैं गुरबाज को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से ऑलराउंडर में, यहाँ पे मैं लेता हूँ दिनेश नकरानी को लेता हूँ, उमर जाई को लेता हूँ, रामजानी को लेता हूँ, उसके बाद रियाजत अली शाह इसको ले लिया, उसके बाद चार ओवर यहाँ से डालेगा हेनरी सेनियंडो, तो ये चार ओवर डालेगा इसको ले लिया, उसके बाद मियागी चार ओवर डालेगा इसको ले लिया, फरीद अहमद मलिक इसको ले लिया, ये चार ओवर डालेगा। तो मैंने यहाँ पर आठ प्लेयर ले लिए हैं, इनमें से जो हाई सिलेक्शन प्लेयर है, तो हाई सिलेक्शन प्लेयर कितने हैं, तीन हैं और चार सॉरी पांच ट्रंप प्लेयर मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो हाई सिलेक्शन कौन कौन है, एक गुरबाज है, दूसरा नकरानी है, तीसरा उमर गए। आप देख सकते हैं नकरानी का सिलेक्शन 90% है, उमर जाई का 92 है। तो ये कुछ तीन ले लिए हैं और पांच ट्रंप लिए हैं, तो इसमें और तीन में हाई सिलेक्शन डालूंगा। तो यहाँ से मैं डालूंगा हाई सिलेक्शन, इब्राहिम जादरान को डाल दिया, उसके बाद गुलबदीन नाइब को डाल दिया, और एक हाई सिलेक्शन डाल देता हूँ फजल अक फारूकी को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ दिनेश नकरानी को और वाइस बनाता हूँ मैं उमर जाई को। मैंने इनको क्यों कैप्टन और वाइस बनाया, वैसे तो ये नकरानी है जो तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है, चौथे या फिर पाँचवें नंबर पे आता है, और उमर जाई जो है ये तीसरे पे या फिर चौथे पे आता है, चार ओवर डालता है, नकरानी भी चार ओवर डालता है, तो दोनों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मिलेगी। तो इसको ही मैं कैप्टन और वाइस बना देता हूँ। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो चलिए और एक मैं आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा, उसमें कुछ अलग
अलग टिप्स बताऊंगा। तो मैं इस दूसरे टीम में मैं ऐसे प्लेयर बताऊंगा जिस पे किसी का भरोसा नहीं, लेकिन वो अच्छा खासा आपको पॉइंट दे सकते हैं जिन पे किसी का भरोसा नहीं। तो चलिए इन सभी को पहले हटा देता हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रियाजत अली शाह है, ये चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, 3 या 4 ओवर भी डालेगा, तो ये ऐसा प्लेयर है जिस पे किसी का भरोसा नहीं। उसके बाद यहाँ पे करीम जन्नत है, ये छठवें नंबर पे या फिर 7वें नंबर पे आएगा, 4 ओवर डालेगा, तो ये इसको एक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हजरतुल्ला जदई, ये ओपनिंग करेगा, तो इसको मैंने ले लिया। उसके बाद मोहम्मद इशाक, तो ये चौथे नंबर पे आएगा या फिर 5वें नंबर पे आएगा, तो इसको मैंने ले लिया। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है सेसा जी, तो ये इसको मैंने ले लिया। उसके बाद सिद्दीकुल्ला अटल, ये तीसरे या फिर चौथे नंबर पे आएगा, तो इसको मैंने ले लिया। तो ऐसे कुछ प्लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिस पे किसी का भरोसा नहीं, लेकिन ऐसे प्लेयर कल के मैच में ड्रीम टीम में आने वाले हैं। इनमें से जो भी प्लेयर आपको दिख रहे हैं उनको बैटिंग मिलने के चांसेस है। कुछ प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कुछ मिडल ऑर्डर में, और कुछ प्लेयर ऐसे जो 3 या 4 ओवर डालेंगे। 3 या 4 ओवर कौन डालेगा, एक तो करीम जन्नत हो गया, एक रियाजत अली शाह हो गया, तो इन दोनों को भी बैटिंग मिलने के चांसेस हैं। खास करके रियाजत अली शाह को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है, बल्लेबाजी करने आएगा। और सिद्दीकुल्ला अटल जो कि अफगानिस्तान का बल्लेबाज है, ये गेंदबाजी तो नहीं करेगा, लेकिन ये तीसरे या चौथे नंबर पे आएगा, तो इस पे मैंने रिस्क ले लिया। जजईक पे रिस्क ले लिया, सेसा जी को ले लिया, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। एम इशाक जो है, ये कभी 5वें पे आता है, कभी 8वें पे आ जाता है, कभी 6वें पे आ जाता है, तो इसको इस पे भी मैंने रिस्क ले लिया। तो मैं ये नहीं बोलता कि ये सभी के सभी प्लेयर कल के मैच में ड्रीम टीम में आएंगे, लेकिन इन ये ज़रूर कहूँगा कि इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ये प्लेयर। और इसके अलावा कुछ और भी प्लेयर है बैटिंग सेक्शन में जिन्हें मैंने नहीं लिया है, जिनका सिलेक्शन परसेंट लो है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते, मैं और अगर बताना चाहूँ तो ओबुया हो गया, ये तीसरे या चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा। रौनक पटेल ये टॉप ऑर्डर में आएगा, यानी कि ओपनिंग करेगा फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड नंबर पे। और जो मुकासा है ये भी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आएगा, तो ऐसे प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है। तो वैसवा आपको जो दिख रहा है इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये भी चौथे या 5वें नंबर पे आएगा, कभी 8वें में आ जाता है, गेंदबाजी भी 4 ओवर करता है। तो इनमें से कुछ प्लेयर मैं ले लेता हूँ और कुछ को ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं 4 लेता हूँ, 3 को ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा अटल को, ड्रॉप किया करीम जन्नत को, ड्रॉप किया रियाजत अली शाह को, ड्रॉप किया। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेयर ले लिया है, तो इसमें मैं ये सभी के सभी ट्रंप है। तो आपको क्या करना है, बॉलिंग सेक्शन भी में भी आपको ट्रंप डालना है, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में हर मैच में ट्रंप आते हैं। ये आपको मेरी तरफ से टिप्स है, आपको बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप डालना है। तो बॉलिंग में कितने ट्रंप है आपको मैं गिनकर बताता हूँ। तो 50 के अंदर यहाँ पे सेसेंडो है, ये एक हो गया, दूसरा नसुबुगा है, ये 2 हो गए, मुजीब हो गया, ये 3, मियागी ये 4 हो गया, नूर ये 5 हो गया, कायउटा ये 6 हो गया, फरीद अहमद मलिक ये 7 हो गया, सलीम सफ़ी ये 8 हो गया, एमवे बाजे ये हो गया 9। तो इतने सारे 9 ट्रंप प्लेयर है, तो 9 में से एक ना एक तो कंफर्म आने वाला है, 2 या 3 भी आ सकते हैं, तो इनमें से मैं 2 या 3 ले लेता हूँ।
तो यहाँ से मैं लेता हूँ, मुजीब को ले लिया, ये स्पिनर है, स्पिनर इस मैच में चलते हैं इसलिए उसको ले लिया, और एम्बे बाजे इसको ले लिया, और एक चलो ले लेता हूँ, सेनियंडो इसको ले लिया। तो ये हम मैंने 7 ऐसे प्लेयर लिए हैं जो ट्रम्प प्लेयर हैं, तो इसमें मैं हाई सिलेक्शन 4 डालूँगा। तो यहाँ से मैं 4, एक तो यहाँ से मैं इब्राहिम को डाल दिया, एक हो गया, उसके बाद गुलबदीन को डाल दिया, 2 हो गया, अमर जाई को डाल दिया, ये 3 हो गया, उसके बाद नकरानी को डाल दिया, ये 4 हो गया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इसमें मैं कैप्टन किसे बनाऊंगा, तो कैप्टन मैं बनाता हूँ इब्राहिम जादरान को, मैं कैप्टन बनाता हूँ, और वाइस बनाता हूँ मैं सेसा जी को बनाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेसा जी को क्यों बनाया, दोस्तों मैं इस पर रिस्क लेना चाहता हूँ। ये जो सेसा जी है दोस्तों, ये 50 के ऊपर मारने की इसकी काबिलियत है, यानी कि 50 रन ये मार सकता है, इसकी काबिलियत है। मैंने इसके पुराने रिकॉर्ड देखे तो उसमें मैंने देखा कि 50 के ऊपर ये मार चुका है, तो इस पे मैंने रिस्क ले लिया। और इब्राहिम जादरान जो है, इसकी भी काबिलियत है 50 के ऊपर मारने की, तो मैंने बोला था कि इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोर बनाएगा तो 50 से लेकर 100 तक कोई हाई स्कोर बना सकता है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इब्राहिम जादरान कल के मैच में 60 या 70 रन मार दे तो हमारा काम हो सकता है। तो ये दूसरी टीम हो गई। चलो मैं आपको और एक टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो इसमें मैं पीपल चॉइस के हिसाब से जाऊँगा। तो पीपल चॉइस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पीपल चॉइस ये है कि जिस प्लेयर को ज़्यादा लोग लेना पसंद कर रहे हैं उन सभी को मैं पीपल चॉइस बोलता हूँ, लेकिन मैं उनको पूरी तरह से आग बंद करके उन पे विश्वास नहीं करूँगा, उनमें से कंफर्म कुछ प्लेयर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे ये पीपल चॉइस है 98%, यहाँ पे इब्राहिम जादरन ये पीपल चॉइस है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे नबी है पीपल चॉइस, नकरानी है, उमर जाई है, उसके बाद पीपल चॉइस की अगर बात करूँ तो राशिद खान है, नवीन उलख है, बिलाल हसन है, ये सभी पीपल चॉइस है। फजल फारूकी हो गया 50 के ऊपर, गुलबदीन नाइब हो गया, ये टोटल 10 हो चुके हैं। और पीपल चॉइस कौन है यहाँ पे 50 के ऊपर, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये सभी, हाँ यहाँ पे एक है मुकासा 50 के ऊपर। तो ये ऐसे 11 प्लेयर है जो पीपल चॉइस है, यानी कि इन सभी प्लेयर को ज़्यादा लोग ले रहे हैं। लेकिन आपको इन सभी को एक ही टीम में नहीं रखना है, इससे मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप अगर इन सभी प्लेयर को एक ही टीम में रख कर आप ग्रैंड लीग खेलोगे तो आप कंफर्म फर्स्ट रैंक पे नहीं आएंगे। आप मेरे तरफ से ये लिख के रख दो, इनमें से मिनिमम 4 या फिर मैक्सिमम 7 प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, तो उनको आपको फ्लॉप करके ही टीम बनानी है। तो चलो मैं इनमें से 4 प्लेयर या फिर 7 प्लेयर ड्रॉप करके टीम बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा नाइब को, नाइब को नहीं, नबी को ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मैं ड्रॉप करूँगा बिलाल हसन को, ड्रॉप करूँगा, उसके बाद ड्रॉप करूँगा नवीन उलख को, ड्रॉप करूँगा। तो चलो पहले नबी को ड्रॉप किया, उसके बाद नवीन बिलाल हसन, तो 8 हो गए, और एक मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 8 हाई सिलेक्शन के साथ जाऊंगा तो मैं कंफर्म फर्स्ट रैंक पे नहीं आऊंगा। और आप भी ऐसा अगर करते हो तो आप भी कंफर्म फर्स्ट रैंक पे नहीं आओगे, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो चलो और एक प्लेयर को ड्रॉप करता हूँ, चलो मुकासा को ही ड्रॉप कर देता हूँ। तो मुकासा के साथ ओपनिंग करने आएगा रौनक पटेल। तो यहाँ पे मैंने 7 हाई सिलेक्शन लिए, तो 4 ट्रम्प प्लेयर डालूँगा।
तो यहाँ पे रौनक पटेल को ले लिया, ये ओपनिंग करेगा इसलिए ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं रियाजत अली शाह को ले लिया, विश्वा को ले लिया, रमजानी को ले लिया। तो ऐसे प्लेयर मैंने ले लिए, तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इसमें एक और गलती है, यहाँ पे मैंने बॉलिंग सेक्शन में एक भी ट्रंप नहीं डाला है, तो यहाँ पे तो डालना ही पड़ेगा। चलो नाइफ को हटा देता हूँ मैं, 6 आई सिलेक्शन हो गए और 5 ट्रंप के साथ मैं जाऊँगा। काय बुट्टा के साथ जाऊंगा, ये 4 ओवर डालेंगे तो इसकी भी काबिलियत है, 4 विकेट लेने की काबिलियत है इसमें, इसलिए उसको ले लिया। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ, उमर दाई को कैप्टन बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ मैं फजल हक फारूकी को। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो 3 टीम मैंने बना कर दिखा दिया, चलो एक आखिरी टीम बना कर दिखाता हूँ। अब इस टीम में मैं ऐसा करूँगा, इसमें कुछ ऐसे प्लेयर डालूँगा जिस पे किसी का भरोसा नहीं, लेकिन ऐसे प्लेयर को मैं ज़रूर लूँगा। बॉलिंग से मैं डालूंगा, तो बॉलिंग में 9 आईसी ट्रंप प्लेयर हैं, तो 9 में से 2 या 3 तो कंफर्म आएंगे, लेकिन इतने सारे खेलेंगे तभी 2 या 3 आएंगे, या फिर 6 खेलते हो तो 2 या 3 आ सकते हैं, 4 खेलते हो तो 1 या 2 ट्रंप आ सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं फरीद अहमद मलिक, इस पर किसी का भरोसा नहीं, 1% सिलेक्शन, इसको ले लिया, ये 4 ओवर डालेगा। एमवे बाजे, इसको ले लिया, ये 4 ओवर डालेगा। नूर अहमद, ये स्पिनर ले लिया। मुजीब ले लिया, तो ये 4 ऐसे डाल दिया जिस पे लोगों का भरोसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विश्वा को डाल दिया। नांगे ले या खरोटे, इसको मैंने ले लिया, 6 हो गए। और रामजानी को ले लिया, तो ये 7 ले लिया। तो इसमें मैं हाई सिलेक्शन डालूँगा, अब इसमें मैं डालूँगा गुरबाज, गुलबदीन, उमर दाई, नवीन, और एक डालना पड़ेगा। रोनाल्ड ओबुया, ये 3रे नंबर पे आएगा, तो इस पे मैंने रिस्क ले लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ट्रंप मैंने लिया है। तो बैटिंग में एक ट्रंप लिया, रोनाल्ड ओबुया एक हो गया, रामजानी दूसरा, 3रा वैसवा, 4था खरोटे, 5वां ट्रंप मुजीब, 6वां ट्रंप नूर अहमद, 7वां ट्रंप फरीद मलिक और 8वां ट्रंप एमवे बाजे। तो ये 8 हो गए हैं, तो मैंने बोला था कि 4 से लेकर 7 तक ही लेना है। तो चलो इसमें से किसी ट्रंप को हटा कर किसी दूसरे प्लेयर को हाई सिलेक्शन को डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं चलो अबुया को हटा दिया, नकरानी को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ वैसवा को, कैप्टन बनाता हूँ और वाइस बनाऊँगा मैं खरोटे को। इन दोनों भी ट्रंप प्लेयर को मैंने रिस्क लेकर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ये दोनों भी 1 तो कंफर्म ओवर डालेंगे, मैक्सिमम 4 ओवर डालेंगे। और ये खरोटे जो है ये स्पिनर है, वैसवा ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है,
तो वैश्वा को 4 विकेट मिलने के चांसेस है, 3 विकेट मिलने के चांसेस है। खरोटी को रिस्क लिया, इसको भी 4 या 3 विकेट मिलने के चांसेस है। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो ये एक टीम हो चुकी है। तो मैंने आपको टोटल 4 टीम बनाकर दिखाया है। कौन सा गेंदबाज कितने ओवर डालेगा वो बता दिया, कौन सा बल्लेबाज कितने नंबर पे बैटिंग करने आएगा वो बता दिया, और स्टार्स बता दिया, गेंदबाजी के स्टार्स बताया, बल्लेबाजी के स्टार्स बताया, रिसेंट मैचेस बताया, पिच रिपोर्ट बताया, ये सब बता दिया, टीम बनाकर भी बता दिया। तो लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी ये फाइनल टीम मेरी नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सभी के सभी प्लेयर कल की मैच में खेलने वाले हैं या नहीं। इनमें से कुछ प्लेयर नहीं भी खेल सकते हैं, तो जो नहीं खेलेंगे उनकी जगह पे मैं कोई और प्लेयर को ले लूँगा। जो फाइनल टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे दी है। अगर आपको टिप्स चाहिए मैच मैच के टाइम पे, टिप्स और पिच रिपोर्ट और एक बार चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टीम चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और मेरे जो टिप्स और ट्रिक्स रहते हैं वो कई बार चल जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि 100% मेरे टिप्स और ट्रिक्स काम कर जाते हैं। कल के मैच में मेरे 100% टिप्स और ट्रिक्स काम किए, जो कि कल की मैच जो थी वेस्ट इंडीज़ की मैच, तो उसमें मेरे सभी के सभी ट्रिक्स और टिप्स काम कर गए। तो इस मैच में भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।